देखिए कांग्रेस के एक बड़े नेता का देहांत हो गया, वो है अहमद भाई पटेल। अब आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले अरुण जेटली का देहांत हुआ था, उसमें कई सारे पत्रकारों ने अरुण जेटली के की मृत्यु पर शोक जारी किया, शोक संदेश जारी किया। जब पत्रकारों ने शोक संदेश जारी किया तो जो लेफ्ट लंपट बिरादरी है, जो लाल हरी बिरादरी, पंचमक्कार पत्रकार हैं, उन्होंने अटैक किया कि यह जर्नलिज्म नहीं, भाजपा की चाटुकारिता है, ये जर्नलिज्म नहीं है, भाजपा की चाटुकारिता है। लेकिन आज वही पत्रकार अहमद पटेल के लिए गमगीन हुए जा रहे हैं। ये है मिस रिप्रेजेंटेशन कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मृत्यु पर शोक जताएंगे तो आप भगवा हो जाएंगे, संगी हो जाएंगे, येन केन प्रकारेण आप कम्युनल हो जाएंगे। परंतु जो कांग्रेस के नेता पर शोक प्रदर्शित करे वो प्रगतिशील है, चाहे वो अहमद पटेल ही क्यों ना हो, जिनका इतिहास दूध का धुला नहीं है, काला है। अब आपको मैं कुछ चीजों को बताने का प्रयास करूंगा अहमद पटेल को लेकर, और वो इसलिए आपको समझ में आएगा कि अहमद पटेल क्या थे। दिल्ली की बिरादरी में, दिल्ली के पूरे दिल्ली में पत्रकारों से आप पूछेंगे, एक पत्रकार ने इस पर ट्वीट भी किया है और मैं आपको बता दूं, अहमद पटेल लुटियंस पत्रकारों के एडिटर इन चीफ थे। आपको ये बुरा लगेगा, मैं ऐसे अखबार में काम कर चुका हूं जहां मुझसे कहा गया, ये समिता देशमुख का ट्वीट है, वो लिख रही है, नो वन अटर्ड ए वर्ड एंड ज्वाइन द लूप जर्नलिज्म वाज नॉट, ये दूसरा ट्वीट है, इससे पहले वाला ट्वीट आपको बताता हूं वो क्या कह रही है। ये मुझे कहा गया था एक जर्नलिस्ट, जब मैंने एक खबर की, उस खबर में मैंने कांग्रेस को एक्सपोज किया, खासकर राहुल गांधी को एक्सपोज किया, उस पर मुझे मेरे एक एडिटर ने कहा तत्कालीन कि मुझे अहमद भाई को आज तुम्हारे कारण जवाब देना पड़ा। यानी अहमद भाई पटेल दिल्ली के लुटियन सर्कल के एडिटर इन चीफ थे, और ये लिख रही है कि जस्ट कैन नॉट फॉरगेट दिस होल्ड ऑन पॉलिटिकल जर्नो, जितने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, आई हैव वर्क विथ, ये जो समिता देशमुख कह रही है, और मैं आपको उदाहरण अपना दिया हूं, फिर भी आपको बता रहा हूं इनका पढ़ के, ही वुड डिसाइड एडिटोरियल सिटिंग इन दिल्ली। अहमद पटेल ये तय करते थे कि किस अखबार की क्या लाइन जाएगी, किस अखबार में क्या छपेगा, किस चैनल पर क्या दिखाया जाएगा। इंसर्ट द फैमिली वाज प्रोटेक्टेड। और आपको और बताऊं, मुझे एक पत्रकार के क्रेडिट कार्ड के बिल अहमद भाई पटेल ने भरे थे, विदेश गए थे पत्रकार महोदय, कांग्रेस सरकार में पूरा खर्च किया था, और कार्ड पे जम के खर्च करके पत्रकारों को कहा गया था अपने क्रेडिट कार्ड पे खर्च कीजिए, बिल हमको दीजिए, हम पे कराएंगे थर्ड पार्टी। इसलिए अहमद पटेल की मृत्यु पर इतने रुदाली, जो पत्रकार रुदाली गा रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि उनका सबसे बड़ा एडिटर छिन गया है, उनका सबसे बड़ा रिसोर्स जहां से आता था वो छूट गया है। आपको ये हम्बल लगेगा, ये मिस, यही मिस रिप्रेजेंटेशन है कि आपको लगेगा वो मृत्यु पर शोक संदेश दे रहे हैं, परंतु वो अपनी दुख दुविधा और दुख को रो रहे हैं कि अब उनके कहने पर जो हम एडिटोरियल लिखते थे, खबर का लाइन लेते थे, जिसके एवज में हमें माल मिलता था, वो अब हमको नहीं मिल पाएगा। अब आप इसको देखिए, ये हमारे राजदीप सरदेसाई हैं। अब अहमद पटेल और राजदीप सरदेसाई का इतिहास बताता हूं, राजदीप लिख रहे हैं, अहमद पटेल ए 24/7 नेता हु अर्न द गुडविल ऑफ हिज फेलो कांग्रेस पर्सन एंड अपोनेंट्स, अपोनेंट से भी गुडविल मिलता था हमको, हु वाज एवर हेल्पफुल, अहमद भाई टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए हेल्पफुल थे। ये राजदीप लिख रहा है, सुनिए, हु रियली वाज सोनिया गांधी शैडो एंड द यूपीएच क्राइसिस मैनेजर हुज पावर वाज ऑलवेज अंडरस्टैंड। अहमद भाई कैसे क्राइसिस मैनेजर से, आपको बताता हूं, 2008-09 की बात है, परमाणु संधि हो रही थी यूपीए सरकार के समय और मनमोहन सरकार, और उसमें कैश फॉर नोट का एक मुद्दा आया। आपको ध्यान होगा भाजपा के दो सांसदों ने नोट लहराए थे, संसद के अंदर कैश फॉर वोट का मैटर आया। इस पूरे मामले में आरोप के मुताबिक अहमद भाई पटेल, अमर सिंह ये शामिल थे, दोनों अब इस दुनिया में नहीं, पर मैं आरोप के मुताबिक कह रहा हूं, और इसको जो स्टिंग किया था वो राजदीप सरदेसाई, उस चैनल के मालिक से उस समय के, CNN IBN, उसने स्टिंग किया था।
और स्टिंग करवाने वालों में वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है, वो थे अरुण जेटली जी, अरुण जेटली जी, अहमद पटेल और अमर सिंह। उन नेताओं को जो भाजपा के सांसदों को जो पैसा दिया गया वो स्टिंग हुआ, पर वो जो कह रहा है राजदीप सुनिए कि हु वाज एवर हेल्पफुल अहमद भाई टू वन एंड ऑल हु रियली वाज सोनिया यूपीएस क्राइसिस मैनेजर। और राजदीप सरदेसाई ने अपने चैनल पर कैश फॉर वोट के पूरे वीडियो को डाउन कर दिया, वो खबर नहीं दिखाई। सरकार वहां सदन में कार्रवाई चल रही है, नोट के गड्ढे उछाले जा रहे हैं, राजदीप वो पूरी खबर लेकर बैठ गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के लुटिए पत्रकार आज दुखी हैं, क्योंकि उनका एडिटर इन चीफ आज इस दुनिया से रुखसत हो गया, इस दुनिया से विदा हो गया। इसीलिए वो जो है आप देखेंगे कि राशिद किदवई जो 10 जनपद का एकदम ही सर झुकाया पत्रकार है, राशिद किदवई बीबीसी में एक नया थ्योरी लेकर आया कि अहमद भाई कभी नहीं चाहते थे कि मोदी और अमित शाह पर कभी कोई कार्रवाई हो। आप सब जानते हैं कि 2002 के बाद 2004 से जब सरकार बनी सोनिया की, तो 14 तक मोदी और अमित शाह को कितना टॉर्चर किया गया। अमित शाह भारत के पहले एक प्रदेश के गृह मंत्री जिनको सोहराबुद्दीन केस में जेल में डाल, लेकिन अब राशिद किदवई उसका सारा दोष कपिल सिब्बल चिदम्बरम पे डाल रहे हैं, अहमद भाई को बचा रहे हैं, क्योंकि ये सब अहमद भाई के आरोप के मुताबिक पेरोल पर पलने वाले सारे पत्रकार थे और ये अहमद भाई इन सब के एडिटर इन चीफ थे। आज अगर नरेंद्र मोदी पे कोई किताब लिखेगा वो चापलूस कहा जाएगा, लेकिन राशिद किदवई ने सोनिया की चापलूसी में उसकी पूरी जीवनी लिख डाली है कांग्रेस के 10 जनपद। राशिद किदवई प्रगतिशील है, यही है मिस रिप्रेजेंटेशन। और अहमद भाई का मुझे कैरियर बताने की जरूरत नहीं है, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं कि मैं आपको उनका कैरियर बताऊं ग्लोरीफाई, पर एक कैरियर जरूर बताऊंगा। जब 2001 में वह सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार और बता रखा है, जब 2001 में वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार बने, उस समय वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी और इनके सलाहकार बनने के कुछ महीने बाद ही 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस फूंक दिया गया, 59 कार सेवक जिंदा चला दिया। इनके राजनीतिक सलाहकार बनने के बाद और उसी साबरमती के फूके जाने से 2004 में सोनिया गांधी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। और जब उनको फूंक दिया गया, उसमें गोधरा के, मैंने ये किताब सबको जा रहा है, आज मैं आज करीब 150 लोगों को ये पुस्तक गई है, तो ये मैंने उसमें पूरा रेफरेंस दिया कोर्ट के ऑर्डर में कि कांग्रेस के सारे वर्कर थे हरे टिड्डे, कांग्रेस के वर्कर थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। क्या वजह है कि राजनीतिक सलाहकार जब बने हुए सोनिया के, उसके बाद और अहमद भाई पटेल मत भूजिए वो गुजरात से ही आते, गुजरात को ही प्रयोगशाला वाजपेयी सरकार को जाने के। और जो लोग एडिटर इन चीफ जिनके थे अहमद भाई पटेल, उन्होंने साबरमती को भुला दिया, गुजरात को याद रखा। आप ध्यान दीजिए उस समय के पत्रकार बरखा, राजदीप, स्टार टीवी, ये सब जितने थे, ये सब ने गोधरा भुलाया और गुजरात याद रखा। क्या एडिटर इन चीफ अहमद पटेल के कहने पर यह किया गया था? आपको मैंने उदाहरण दे दिया है कि राजदीप कैसे वीडियो गैप किया था। तो अहमद भाई पटेल के की मृत्यु से निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर एक शून्य उभरेगा, क्योंकि गांधी परिवार के बाद सबसे कद्दावर नेता और सारा फंड मैनेजर थे। अभी मोदी सरकार उन पर कार्रवाई भी कर रही थी, गुजरात की एक कंपनी जो संदेश रहा है जिसमें उनके बेटे और दामाद फंसे हुए हैं, उसको लेकर काले घोड़े का धंधा पे बड़े पैमाने पे कार्रवाई हुई। बैंक फ्रॉड में भी अहमद भाई पटेल फंसे हुए थे, करीब 5,000 करोड़ या 5,500 करोड़ आंध्रा बैंक के गबन में भी उनकी फैमिली का नाम था। और उनके जो 10 मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड पर जो दिल्ली में मकान है उनके, उसमें वो 10 जनपद तुगलक रोड, अकबर रोड, तुगलक रोड पे राहुल रहते हैं, 10 जनपद कांग्रेस में सोनिया रहती है, अकबर रोड में मुख्यालय कांग्रेस का, उसी के समान मदर टेरेसा जो क्रिसेंट रोड है वो एक पावरफुल लॉबी थी वहां पर। और इसमें तो बयान है
पूछताछ में बयान है कि उस मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड पर रात में पैसों की अदला बदली होती थी और कैश नोट गिने जाते थे। मैं इसको एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य से जोड़ूं तो आज अहमद भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने एक ट्वीट किया है और कहा, अब रात के 2 बजे हमारे पास फोन नहीं आएगा। रात के 2 बजे अहमद भाई फोन करते थे, जगे हो क्या, आ सकते हो। आखिर ऐसी कौन सी राजनीति होती थी जो रात के 2 और रात के 3 बजे चलती थी। और ये दिल्ली का पूरा लुटियंस पत्रकार गिरोह इसे जानता है और इसीलिए वो रो रहा है कि उसका एडिटर इन चीफ अब इस दुनिया में नहीं है। आपको इस केस में आखिरी बात बताऊं, मेरी जानकारी में, मेरे सोर्स और मैंने देखा हुआ जर्नलिज्म में करीब दिल्ली के 350 पत्रकार ऐसे थे जिनको हर महीने लिफाफे में कैश जाता था। वो कैश 10,000 से लेके 5,00,000 तक भी हो सकता था। एडिटर के लिए अलग पैसे थे, रिपोर्टर के अलग पैसे थे, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के अलग पैसे थे, नवसिखुआ जो कांग्रेस की बीट कवर करने गया उसके लिए भी अलग पैसे थे। ये पूरी व्यवस्था, इसलिए आपने 10 साल में कोयला घोटाला से लेकर स्पेक्ट्रम घोटाला तक पत्रकारों ने नहीं खोला, सीएजी ने। इसलिए उस 10 साल में घोटाला ना खोलना पड़े इसलिए रवीश गली खरंजे की रिपोर्ट दिखाता था प्रगतिशीलता के प्रगतिशीलता को दर्शाने के लिए, और विनोद दुआ खाता हुआ मैं देश के लिए खाता हूं तोंद फुलाता था ताकि पत्रकारिता ना करना पड़े। इसलिए आज दिल्ली के लुटियंस पत्रकारों के लिए वास्तव में एक दुखद दिन है जिसमें जो है अहमद पटेल के का जाना है वो उनके लिए बड़ा ही दुखदायी है।